ट्रीटमेंट किससे करवाते हो, अपनी टीम के फिजियो से या फिर आप डॉक्टर के पास जाते हो? लेट मी नो। तो अगर आप लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो आप लोग ने एक चीज नोटिस किया होगा, जब भी मैं कोई भी क्रिकेट का नया सामान मंगाता हूँ तो उसका अनबॉक्सिंग करके उसका यूज जरूर बताता हूँ। तो आज के इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करूंगा ये फोम रोलर का और आप लोग को इसका यूजेस बताऊंगा, ठीक है। हेलो क्रिकेटर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दिस इज महेश फ्रॉम GA05 एंड यू आर वाचिंग क्रिकेट विद प्लेयर्स। अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, यहाँ पर क्रिकेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और क्रिकेट से जुड़े रहें। तो अगर आप रेगुलरली क्रिकेट खेलते हो, आप एक प्रोफेशनल क्रिकेटर हो, आप बहुत मेहनत करते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो ये जो फोम रोलर है इसका क्या यूज़ है, सारा यूज़ मैं आपको बताऊँगा, ठीक है ना। इट डजेंट मैटर आपका क्रिकेट में कुछ भी रोल हो, बैट्समैन, बॉलर, कीपर, कुछ भी, ठीक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। तो फटाफट इसका अनबॉक्सिंग करते हैं और फिर आप लोग को इसका यूज़ बताते हैं, ठीक है। जैसे कि मैच से पहले या फिर ट्रेनिंग से पहले कर सकते हैं, ठीक है। तो देख सकते हो ये है मेरा न्यू फोम रोलर। क्या आपके पास फोम रोलर है? देख सकते हो ये मेरा न्यू फोम रोलर। तो ग्राउंड में फोम रोलर का यूज़ करने के लिए आपको योगा मैट का ज़रूरत होगा, ठीक है ना। वैसे तो आप ग्राउंड में ग्रास में भी इसका यूज़ कर सकते हो, बट अगर आपके पास योगा मैट है तो अगर इसके साथ आप यूज़ करोगे तो ये ज़्यादा दिन तक चलेगा। तो चलिए आपको मैं इसका यूज़ बताता हूँ और कुछ कुछ एक्सरसाइज करके बताता हूँ। तो चलिए योगा मैट को खोल देते हैं, ठीक है ना। तो योगा मैट बिछाएंगे, उसके बाद फोम रोलर का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आपको क्रिकेट में कभी कोई सीरियस इंजरी हुआ है या नहीं आप बता सकते हो, और आप ज़्यादातर ट्रीटमेंट किससे करवाते हो, अपनी टीम के फिजियो से या फिर आप डॉक्टर के पास जाते हो? लेट मी नो। तो देख सकते हो योगा मैट बिछा दिया है। तो देख सकते हो मैंने फोम रोलर ले लिया है और मैंने शूज़ नहीं पहना है, क्योंकि शूज़ खोल के ही करना बेटर है। तो मेनली आपको फोम रोलर से बॉडी का उसी पार्ट को रोल करना है जहाँ आपका मसल्स है, ठीक है ना। बोन्स पे रोल नहीं करना है, ठीक है, ओनली मसल्स, ठीक है। तो चलिए फोम रोलर से कुछ एक्सरसाइज करते हैं और मैं आपको बता दूं कि आप मैच या प्रैक्टिस से पहले भी कर सकते हो और उसके बाद भी, ठीक है, कभी भी आप कर सकते हो। जब भी अगर आपका बॉडी का कोई भी पार्ट अगर पकड़ा हुआ पेन कर रहा है तो इससे आप उसका पेन रिलीज कर सकते हो। चलिए सबसे पहले नंबर वन स्टार्ट करते हैं बैक से, ठीक है। तो देखिए आप फोम रोलर को यहाँ रख लीजिए, पोजीशन बना लीजिए और आप इसमें फोम रोलर को रोल कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से रोल करिए, ठीक है ना। तो जो भी स्टिफनेस है बैक में वो रिलीज़ होगा, ठीक है। काफ़ी कंफर्टेबल फील हो रहा है मुझे, जैसा कि मैं क्रिकेट में अभी साइड आर्म स्पेशलिस्ट हूँ तो काफ़ी ज़्यादा बॉल डालता हूँ मैं साइड आर्म से, तो ऑब्वियस सी बात है बॉडी पेन होना, दर्द पकड़ना नॉर्मल सी चीज़ है। तो फोम रोलर से जब बॉडी को हम रोल करेंगे तो उससे काफ़ी रिलीफ मिलेगा, ठीक है। नंबर टू अब करते हैं हिप का, ठीक है, इसमें हिप को रोल करेंगे। आप जिम में भी फोम रोलर से रोल कर सकते हो, कुछ कुछ मेरा स्टिफनेस था अभी, मैं कुछ मुझे बहुत रिलैक्स फील हो रहा है, ठीक है। तो नॉट ओनली क्रिकेटर्स बट ये सारे स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है। अब आएंगे काफ मसल, ठीक है। तो सेपरेटली भी कर सकते हो ईच लेग, बट मैं दोनों एक साथ कर रहा हूँ, ठीक है। काफ मसल देख सकते हो, इससे क्या हुआ काफ मसल में जो भी पेन है ना वो रिलीज़ हो जाएगा, काफ मसल में जितना भी पेन है वो रिलीज़ होगा, ठीक है। तो आप सेपरेटली ईच लेग भी कर सकते हो, बट मैं दोनों लेग का कर रहा हूँ। तो चलिए आप करते हैं थाइस का, इसमें भी सेम है, आप सेपरेटली भी कर सकते हो बट मैं दोनों साथ में करूँगा, ठीक है। तो देख सकते हो आप यहाँ रख दीजिए, आप यहाँ पर पोजीशन ले लीजिए, आयरन मैन वाला कोर का जो होता है उसका पोजीशन ले लीजिए और आप ऐसे कर सकते हो। तो जैसा कि देखा आपने, मैंने आपको कुछ कुछ वर्कआउट करके दिखाया फोम रोलर से किस तरह से बॉडी पार्ट रोल किया, तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है।
अभी मुझे काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा है। बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर है जिनका कभी कभी बॉडी पार्ट जैसे कभी कभी थाइस पकड़ लेता है, कभी बैक पकड़ लेता है, कभी होता है काफ मसल में दर्द होता है, तो इसका यूज़ करने से, इससे रोल करने से आपको डेफिनेटली रिलैक्स फील होगा, ठीक है ना। तो आप ये खरीद सकते हो, इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, सो आप ये यूज़ करके देखना। और आई एम श्योर अगर आप अच्छा लेवल पर क्रिकेट खेल रहे हो, प्रोफेशनल क्रिकेटर हो, तो आप इसका यूज़ ज़रूर करते ही होंगे, ठीक है। तो आप इसका यूज़ करते हैं कि नहीं, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। तो चलिए मैं बैक का फिर करता हूँ, क्योंकि मुझे बैक में थोड़ा स्टिफनेस है और ये करने से मुझे थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है। जैसे कि अभी मैं कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं अपना ट्रेनिंग स्टार्ट करूँगा। काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। सो आई होप आपको ये वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा, और ये फोम रोलर का क्या यूज़ है, क्या है फोम रोलर, सारा कुछ आपको पता चला, ठीक है ना। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप इंस्टाग्राम पे मुझे DM कर सकते हो, ठीक है। और आपको और भी कोई टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो ज़रूर बताना, ठीक है। इसी तरह से मैं अनबॉक्सिंग वीडियो और अपना सेशन का वीडियो और बहुत सारे क्रिकेट से यूजफुल वीडियो मैं ऐसे ही अपने चैनल पर लाता रहता हूँ और आगे भी लाता ही रहूँगा। ओके गाइस, सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।